नया रूम। गट्टू और चिंकी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी दीवार पर सीलन की वजह से एक परत नीचे गिरती है। अरे ये क्या हुआ, ये कैसे गिर गया? रुको मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा इधर आओ ना आप। हाँ मम्मी। अरे क्या हो गया, इतनी आवाजें लगा रहे हो? चिंकी मम्मी को आवाज लगाती है और मम्मी पापा दोनों ही उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? पापा देखो ना, वो दीवार से कैसी लेयर गिर गई, सारा कलर ही खराब हो गया। देखो ना मम्मी। इसको सीलन कहते हैं बेटा, जब दीवारें ठंडक सोख लेती हैं तो ऐसा होता है। हाँ बेटा, या आसपास पानी का लीकेज हो तब भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ लीकेज तो नहीं है, लेकिन इस साल बारिशें बहुत अधिक हुई थी ना, ठंडक बढ़ गई है शायद इस वजह से। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही हूँ, 3 साल हो गए इस रूम को बने, अब समय आ गया है कि हम लोग इसको रेनोवेट करें। हाँ सही कह रही हो, मैं कल ही कारीगर और पेंटर को बुला लेता हूँ, बारिशें बंद हो गई हैं, यही सही समय है रूम को रेनोवेट करवाने का। वाह, क्या अब हमारा रूम एकदम नए जैसा हो जाएगा? हाँ बेटा। कितना मजा आएगा ना गट्टू, मैं तो पिंक कलर करवाऊंगी। पिंक कलर बिल्कुल नहीं होगा। लो कारीगर आया नहीं, लड़ाई अभी से शुरू। अगले दिन रूम में कारीगर और पेंटर आ जाते हैं। दोनों ही सभी दीवारों को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। ज्यादा सीलन नहीं है, इसको बस अब मरम्मत और रंग रोगन की जरूरत है, ठीक हो जाएगा एकदम। इस बार कलर अच्छे वाला करवाना आप। हाँ, कलर शेड आप लोग चूज करके बता देना, कुछ 4 डब्बे लगेंगे, मैं कैशियन पेंट लगा दूंगा। ठीक है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। तब तक गट्टू और चिंकी चलो कलर शेड डिजाइन कर लेते हैं। चलो कलर शेड डिसाइड करते हैं। हाँ चलो, ब्लू कलर, पिंक कलर, मैंने कह दिया बस। दोनों तकिए से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मम्मी बीच में बचाव करती हैं। अरे अरे तुम दोनों लड़ाई मत करो, हम बेस्ट कलर करवाएंगे रूम में और सबसे सुंदर रेनोवेट करेंगे। पापा कारीगर और पेंटर से बात खत्म करके वापस कमरे में आ जाते हैं। लो भाई, मैंने अपनी तरफ से तो सब डील पक्की कर दी है, परसों से ये लोग काम पर लग जाएंगे, पूरे 1 हफ्ते में रूम की मरम्मत और कलरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का सामान हम खुद रेनोवेट करेंगे, इस बार किसी डिजाइनर को मत बुलाना। ठीक है। 2 दिन बाद कारीगर अपने मजदूरों के साथ काम पर लग जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी तब तक मम्मी पापा के कमरे में ही होते हैं। अंकल आप क्या करेंगे सबसे पहले? बेटा सबसे पहले हम पहले वाला कलर खुरच कर अलग कर देंगे, और जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ पर सीमेंट और अच्छी पुट्टी लगा कर उस जगह को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो कलर कब करेंगे? सब कुछ क्लीन करने के बाद और मरम्मत करने के बाद हम उसको कलर कर देंगे। और 2-3 दिन लगातार काम चल रहा होता है। गट्टू और चिंकी ये सब देख रहे होते हैं और अपने रूम को नई शेप लेते हुए देख रहे होते हैं। उधर मम्मी भी खुश हो रही होती है कि दोनों का रूम अब फिर से नया जैसा दिखने लगेगा। मम्मी कितना मजा आएगा ना, मैं अब राइट साइड में अलमारी लगाऊंगी। ठीक है, और गट्टू आपकी कोई खास इच्छा? पहले रूम रेडी तो हो जाए मम्मी, उसके बाद हम मिलकर इसको सजाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गट्टू और चिंकी का रूम पूरी तरीके से सेट हो जाता है, और हम देखते हैं कि गट्टू और चिंकी दोनों की चॉइस का ध्यान रखते हुए पेंटर ने स्काई ब्लू और पिंक दोनों कलर के वॉल रखे। दोनों साइड हो जाओ, मैं आपका बेड सेट कर देता हूँ। मम्मी भी सामान ला ला कर ढेर लगाती है। चिंकी भी अपनी डॉल सेट को एक कोने में सजा रही होती है, तो वही गट्टू भी वापस बास्केटबॉल की बास्केट को सेट कर देता है। ये बास्केट बस इतनी ऊंची ठीक लगती है, वरना बार बार कूदने पर भी टारगेट नहीं लगता। गट्टू कुछ नया सामान भी अपनी मम्मी के साथ चेक कर लेना, हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है पापा। पापा मेरे को एक छोटी अलमारी अलग से दिलवा दो ना, उसमें सब खिलौने सेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, इस संडे को हम मार्केट जाएंगे, आप दोनों को अपने रूम के लिए जो जो लाना है पहले उसकी लिस्ट बना लेना, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा के ऑफिस जाने के बाद गट्टू और चिंकी दोनों अपने अपने सामान की लिस्ट बना रहे होते हैं। कुछ नाम देखकर मम्मी कहती हैं, अरे इनमें से बहुत सारा सामान तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, अमेज़न और जिमकार्ट पर। मैं अभी अपना फोन लाती हूँ, तुम दोनों अपने पसंद के सामान चूज करते जाना। वाओ। मम्मी ऐप खोल कर बैठती है और उसमें सामान देख रही होती है। मम्मी ये वाला पेंटिंग, ये डॉल हाउस और ये किचन सेट ऑर्डर कर दो ना। हाँ, और मेरे लिए वो पेंटिंग जिसमें मैसी हो, साथ ही एक नई फुटबॉल नेट भी। मम्मी मैं पहले वही सामान ऑर्डर करूंगी जो जरूरी हो,
चिंकी, अपना किचन सेट बाद में भी आ सकता है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है मम्मी। मम्मी, पहले वाली स्टडी टेबल भी अब पुरानी हो गई है, क्या वो भी ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको खरीदने हम पापा के साथ बाजार जाएंगे। हाँ, वही अच्छा रहेगा मम्मी, मैं सब टेबल चेयर पर बैठ के देख लूंगी। धीरे धीरे ऑनलाइन सामान आने लगता है और गट्टू चिंकी उसको कमरे में लगाने लगते हैं। कमरा कितना सुंदर लगने लगा है ना गट्टू। हाँ चिंकी। संडे वाले दिन सब लोग बाजार जाते हैं। क्या फर्नीचर शॉप जाने से पहले हम पानी पूरी खा सकते हैं? पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं और सबको पहले फूड स्टॉल ले जाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा बच्चों। उसके बाद सब लोग फर्नीचर शॉप जाते हैं। गट्टू और चिंकी अलग अलग टेबल चेयर पर बैठकर देख रहे होते हैं। और ये टेबल कितना सुंदर है, क्या इसमें रैक लग सकता है अलग से? हाँ लग जाएगा, पहले आप पसंद कर लो, बाद में हम कस्टमाइज कर देंगे इसको। मम्मी मुझे वो वाली टेबल पसंद आई, उसमें ऊपर अलग से बोर्ड भी है। ठीक है बेटा, आपके लिए वो ले लेंगे। आप बस सामान पसंद कर लें, घर में भेजने की जिम्मेदारी हमारी। इस तरह से सामान ऑर्डर करके सब घर आ जाते हैं। अगले दिन सब सामान ऑटो पर घर आ जाता है। मम्मी हमारी टेबल आ गई। फिर क्या, गट्टू और चिंकी अपनी अपनी टेबल को सेट करवा कर उस पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, उनका रूम अब पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका था। मम्मी और पापा भी दोनों को टेबल पर देखकर बहुत खुश होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।